कराची पाकिस्तान का वो शहर जो रोशनियों का शहर तो कहलाता है मगर मजलूम शहर भी, वो शहर जहां कचरे के ढेर तो हैं मगर आसमान की ऊंचाइयों से रात की तारीकियों में देखा जाए तो चांद की मानिंद चमक रहा होता है। हाँ, यहाँ पोल्यूशन तो है मगर हरियाली भी, कौम परस्ती तो है मगर भाईचारा भी, टारगेट किलिंग छीना झपटी दहशतगर्दी तो मीडिया में हमेशा दिखाए जाते हैं मगर यहाँ अमनो अमान और इत्तेहाद की माया नाज मिसालें भी पाई जाती हैं। क्या कभी आपने ये सुना है कि हमारे कराची की बिरयानी के चर्चे पूरे पाकिस्तान तो क्या अफगानिस्तान तक हैं? क्या कभी ये सुना है कि पाकिस्तान की तीन सबसे बड़ी मसाजिद यहाँ पाई जाती हैं? यहाँ गर्मी तो है मगर बारान रहमत भी, यहाँ आलूदगी तो है मगर ठंडी हवाएँ भी, यहाँ कच्ची आबादियाँ तो हैं मगर पक्की आबादियाँ भी। क्या कभी आपने ये सुना है कि यहाँ के बीचेस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बीचेस से है? हाँ, मगर हमारे बीचेस बेहतर हैं क्योंकि हम शरीफ हैं काफ़ी हद तक। ये कदीमी इमारतें, ये जदीद इमारतें, ये आला मयार की सड़कें, ये खूबसूरत मसाजिद कराची की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। हाँ, यहाँ महंगाई ज़रूर है मगर जब अंग्रेज़ यहाँ आता है तो सिर्फ $10 के खर्चे में पूरा शहर घूम कर जाता है। और क्या आपको मालूम है कि कराची दुनिया के 10 सस्ते तरीन शहरों में आता है और इसी के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े शहरों में आबादी के लिहाज से 3rd नंबर और रकबे के लिहाज से 12th नंबर पर आता है। पाकिस्तान का वो शहर जहां मुख्तलिफ जबानों, जातों और मजाहिब के लोग रिहाइश पजीर हैं, जिसकी वजह से यह पाकिस्तान का सबसे डाइवर्स शहर कहलाता है। चाहे कराची कोई मायानास शहर ना हो मगर फिर भी कराची पाकिस्तान की शान है। दुनिया की वो कौन सी जगह है जहाँ मसाइल नहीं, मगर जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि जहाँ मसाइल हैं वहाँ आसानियाँ भी हैं और जहाँ करप्शन है। खैर, हम हुक्मरानों के बारे में तो हमेशा गिला शिकवा करते हैं मगर क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांका है? क्या कराची को मजलूम बनाने में हमारी शराकत नहीं? तो आइए मैं और आप कराची को अपना शहर समझकर इसकी बेहतरी और तरक्की के लिए मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल हमारी हालत तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम अपनी हालत बदलने के लिए कोशिश नहीं करते। तो बस इसी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह हमारे कराची, पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम को जुल्म के अंधेरों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करे।